शेयर किया, मेरे साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रही है। इसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए कि आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता चलती है तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह भूखा मैं किससे कह दूं। सोशल मीडिया पर फिरोजाबाद पुलिस लाइन में कांस्टेबल मनोज कुमार का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। खबर कुछ इस तरह है कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस लाइन स्थित मेस में अच्छा खाना ना बनने की शिकायत को लेकर एक सिपाही वर्दी में ही सड़क पर आ गया। अपने हाथों में खाने की प्लेट में रोटी दाल चावल लेकर सिपाही ने खाने की गुणवत्ता बताई। उसने कहा पानी जैसी दाल मिलती है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अब इस मामले को लेकर वीडियो भी वायरल हो गया है। सबके सामने सिपाही ने रो रो कर मेस में मिलने वाले खाने की असल कहानी बताई। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ का मनोज कुमार फिरोजाबाद पुलिस लाइन में कांस्टेबल है। बुधवार को उसका वीडियो वायरल हो गया जिसमें वह थाली में रखी दाल को दिखा रहा है, पानी नुमा दाल को लेकर गुस्सा जता रहा है। इसके अलावा रोटियों को दिखाया कि कच्ची रोटियां कैसे खाएं। उसने कहा कि 8 घंटे तक ड्यूटी देने के बाद ये भोजन मिलेगा तो कैसे स्वास्थ्य बेहतर हो पाएगा। इस मामले पर फिरोजाबाद पुलिस का कहना है कि मेस के खाने की गुणवत्ता से संबंधित शिकायती ट्वीट प्रकरण में खाने की गुणवत्ता संबंधी जाँच COCT कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त शिकायतकर्ता आरक्षी को आदतन अनुशासनहीनता, गैर हाजिरी और लापरवाही से संबंधित 15 दंड विगत वर्षों में दिए गए हैं। तो अब इस कांस्टेबल के करैक्टर और किरदार पर ही सवालिया निशान लगा दिया गया है।